सिद्धू ने यह भी कहा कि पंजाब में 12,500 शराब के ठेके हैं, जबकि सालाना आमदनी सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए है। सिद्धू ने बादल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब के पर्यटन को नुकसान पहुंचा है। 6,000 के लगभग ठेके ने ते आमदन ओदी एक साल की 30,000 करोड़ रुपये, रेट बिल्कुल अपने वाले ने। आमदन स्टेट दी स्टेट दे एक्सचेकर नू करीब करीब 30,000 करोड़ रुपये, 15% हर साल वधी है, 15% हर साल वधी है। इंपलॉयमेंट उन्हां ठेकियां ते सरकारी बंदियां दी इंपलॉयमेंट करीब 30,000 बंदियां नू इंपलॉयमेंट है। हुण इहनू पंजाब दे नाल तोल लो, पंजाब च 12,500 ठेके है, डबल शराब की खपत ड्योड़ी, 12,500 ठेके शराब की खपत ड्योड़ी, ते पंजाब की इनकम 5,000 करोड़ रुपये। दोहां स्टेटा की इनकम च कितना फर्क है, एक साल का 25,000 करोड़। एक किवें फर्क पै गया, एक किने फर्क पाया, यह निजी ठेके कौन चलाउंदा, यह सारे पंजाब नूं पता है भाई जी। दिल्ली टूरिस्ट रेस्टोरेंट, क्वीन फ्लावर टूरिस्ट कॉम्पलैक्स, अमृतसर होटल लिमिटेड है 50 करोड़ रुपये। नीम चमेली टूरिस्ट कॉम्पलैक्स, तुहानूं शायद पता नहीं होऊ भी धर्मशाला दे विच भी पंजाब दा होटल है जिहड़ा बंद पिया, गोवा दे विच भी पंजाब दा होटल है जिहड़ा बंद पिया। नाम दे दिंदा माउंट व्यू होलीडे रिजॉर्ट धर्मशाला, राजसराय हॉलीडे जयपुर ये बंद पे है, सोनी हॉलीडे रिजॉर्ट ये बंद पे है, ये मसूरी च है, पाला जी गोवा दे विच बंद पे, मनाली दे विच बंद पे है। सारे पंजाब दे होटल जिने ने घाटियां च ने बंद पे ने, ते इन्हां दे एक एक होटल दे एक एक कमरे का 40,000 करजा सॉरी किराया, ते नाल 5-5 लाख किराया। आ वेख लो तुसीं आ इत्थे हुण पिंड दे विच जिहड़ा नवा होटल खुल्लिया, तुसीं देख चैक करो जिहड़े उत्थे वाले भी होटल ने, इन्हां नूं क्यों नहीं घाटे पए, ये तो इन्हां दी टूरिज्म पॉलिसी है जी।